हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डी के बारे में देखिए राइबोज और डी दोनों ही एल्डोपेंटोज होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं अब पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डी माइनस राइबोज के बारे में तो देखिए डी माइनस राइबोज राइबो न्यूक्लिक एसिड या RNA का एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है और इसका मॉलिकुलर डिटरमिनेशन के बेसिस पर डिटरमाइन किया गया है अब कार्बन चेन की बात करें तो इसमें पांच कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है और डी माइनस राइबोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप और चार हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अब इन चार हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक प्राइमरी होगा और तीन सेकेंडरी होंगे और डी माइनस राइबोस के ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ये हो गई पांच कार्बन की चेन एक हो गया इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और चार हो गए इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें से ये प्राइमरी होगा और ये जो तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो सेकेंडरी होंगे अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज की तरह राइबोज भी साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है ये हो जाएगा डी माइनस राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और ये इसका फाइव साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा अब ये फाइव मेंबर्ड है तो ये फ्यूरेनोज डेरिवेटिव रहेगा तो इसको हम कहेंगे अल्फा डी माइनस राइबोफ्यूरेनोज और इसको हम कहेंगे बीटा डी माइनस राइबोफ्यूरेनोज अब इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करें तो इस कार्बन पर ओ ग्रुप की पोजिशन डिफरेंट होती है मीन्स एल्फा में ये ओ ग्रुप रिंग के प्लेन के बिलो होगा और बीटा में ये ओ ग्रुप रिंग के प्लेन के अबव होगा और ये हो जाएगा राइबोस का सिक्स के सिमिलर होता है तो इसको हम पाइरेनोस डेरिवेटिव कहेंगे ये हो जाएगा अल्फा डी माइनस राइबो पायरेनोज और ये हो जाएगा बीटा डी माइनस राइबो पायरेनोज इनमें भी इस कार्बन से जो ओ ग्रुप अटैच होते हैं उनकी पोजिशन डिफरेंट होती है अब एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें डी माइनस राइबोज एक इक्विबेरियम मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें कि ये चार फॉर्म्स इक्विबेरियम स्टेट में रहती हैं और उसमें ओपन चैन स्ट्रक्चर स्मॉल अमाउंट में प्रजेंट होता है अब इस इक्विबेरियम मिक्सचर को पीएमआर स्टडी से कन्फर्म किया गया है देखिए ये हो गई ओपन चैन फॉर्म ये इस इक्विबेरियम मिक्सर में दो परसेंट होती है और अल्फा डी माइनस राइबोफ्यूरेनोज सिक्स अल्फा डी माइनस फिफ्टी सिक्स परसेंट होता है अब बात करते हैं टू डी ऑक्सी डी माइनस राइबोस के स्ट्रक्चर की मीन्स डी ऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो देखिए डी राइबोस की बात करें तो ये डी न्यूक्लिक एसिड या डीएनए का एक फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट होता है और ये एक तरह का एल्डोपेंटोज होता है जिसमें कि राइबोस के सी टू कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस हो जाता है अब यहाँ पर OH ग्रुप H से रिप्लेस हो जाता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो इसीलिए इसको हम डी कहते हैं डी का मतलब होता है वहां से ऑक्सीजन का रिमूव होना अब डी की बात करें तो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप और तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जिसमें से एक प्राइमरी और दो सेकेंडरी होते हैं देखिए ये हो गया इसका ओपन चैन स्ट्रक्चर ये इसमें एलडीहाइट ग्रुप और ये हो गए तीन हाइड्रोक्सील ग्रुप जिसमें से ये प्राइमरी और ये दोनों सेकेंडरी होते हैं और इसमें C2 कार्बन से एक ऑक्सीजन रिमूव होता है अब बात करते हैं डी ऑक्सीराइबोस के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की तो देखिए ये हो जाएगा इसका ओपन चैन स्ट्रक्चर जिसमें से सेकेंड कार्बन से एक ऑक्सीजन रिमूव होता है और ये हो जाएंगे डी ऑक्सीराइबोस के फाइव मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर और इसको हम कहेंगे टू डी ऑक्सी एल्फा डी माइनस राइबोफ्यूरेनोज इसको हम कहेंगे टू डी ऑक्सी बीटा डी माइनस राइबोफ्यूरेनोज और ये हो गए इसके सिक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर या पायरेनोज डेरिवेटिव इसको हम कहेंगे टू डी ऑक्सी एल्फा डी माइनस राइबो पायरेनोज और इसको हम कहेंगे टू डी ऑक्सी बीटा B minus ribopyranose.